हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली हम न्यूज़ में काफ़ी देख रहे थे कि देर इज एन इम्पीचमेंट मोशन विच हैज़ बीन गॉन अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, सो बाय द वेरियस अपोजिशन पार्टी. तो हम उसको समझेंगे कि इम्पीचमेंट मोशन कैसे होता है. इस पूरे वीडियो में विल नॉट गो इन टू द पॉलिटिकल डिबेट वेदर इट्स अ राइट और रॉन्ग. वी आर ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट प्रोसेस. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस? इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज. अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट कर रहा हूँ, बट द इम्पीचमेंट प्रोसेस इज ऑल्सो फॉर द प्रेजिडेंट. देर इज अ डिफरेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस. हाई कोर्ट जज के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस रहता है. तो इम्पीचमेंट का मतलब प्रोसेस ऑफ रिमूवल. और सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज. नाउ दैट सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड ऑन टू ग्राउंड्स. वन इज द प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड प्रूव्ड इनकैपेसिटी. तो मिसबिहेवियर में आपका करप्शन भी मिसबिहेवियर में आ जाएगा. इनकैपेसिटी दैट इज नॉट कैपेबल टू डू द जस्टिस टू डू द जस्टिस टू हिज जॉब. ओके, दैट इज द टू ऑन दीज टू ग्राउंड ए जज कैन बी रिमूव्ड. नाउ दिस वट एवर द प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड टू इम्पीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी फॉर दैट मैटर एनी जस्टिस एनी जज ऑफ इंडिया और योर जज ऑफ हाई कोर्ट. ऑल दिस मैटर इज बिंग रेगुलेटेड बाय अ जज इंक्वायरी एक्ट 1968. तो ये जज इंक्वायरी एक्ट में लिख सारे प्रोसीजर लिखा हुआ है. हाई शुड बी रिमूव्ड. रिमेंबर दैट कॉन्स्टिट्यूशन में इतना नहीं इसका लिखा हुआ जितना कि जज इंक्वायरी एक्ट में लिखा हुआ है. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे प्रेजिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बट जज को रिमूव करने का प्रोसेस इज बिंग रेगुलेटेड बाय जज इंक्वायरी एक्ट 1968. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्री स्टेप्स रहते हैं. वन स्टेप इज इनिशिएशन. इट हैज़ टू बी इनिशिएटेड एंड जनरली इट इज इनिशिएटेड इन द पार्लियामेंट. ओके, इन एनी वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. देन इट इज टू इन्वेस्टिगेट इट. वट आर द एलिगेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेविज ऑन द जज फॉर टाइम बिंग. दैट इज जज के ऊपर जो भी एलिगेशन लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल करप्शन का एलिगेशन है, ऑल दोस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड. वेन दिस इज प्रूव्ड देन दैट रिमूवल ऑफ द जज इज बींग डिसाइडेड थ्रू द वोटिंग. ओके, तो वोटिंग से डिसाइड करेंगे. तो इट्स नॉट वेरी इजी टू रिमूव अ जज. वी लुक एट वट इज वेरियस डिटेल इन दिस इन्वेस्टिगेशन इनिशिएशन एंड वोटिंग पार्ट. ओके, एंड यू विल सी दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द जज. एंड दिस इज द वन रीजन दैट नो सुप्रीम कोर्ट जज हैज बीन रिमूव टू दिस इम्पीचमेंट प्रोसेस टिल नाउ. ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. इनिशिएशन. तो इनिशिएशन रिमूव्ड मोशन विच इज टू बी साइंड बाय आइदर 100 मेंबर्स इन केस ऑफ द लोकसभा. ओके, एंड और 50 मेंबर इन केस ऑफ राज्यसभा. सो इन एनी ऑफ दीज टू केसेस इट्स नॉट दैट बोथ इन बोथ ऑफ द हाउसेज दैट रिमूवल मोशन हैज़ टू बी साइन. आइदर 100 मेंबर्स इन द लोकसभा, तो हम कहेंगे कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, इनिशिएट हुआ, और 50 मेंबर ऑफ राज्यसभा को साइन करके देते हैं. मोर देन 50 मेंबर ऑफ द राज्यसभा साइन करके देते, तो राज्यसभा में इनिशिएट हुआ. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दैट रिसेंट इम्पीचमेंट मोशन हैज बीन इनिशिएटेड इन टू राज्यसभा, इन टू अपर हाउस ऑफ अवर पार्लियामेंट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्पीकर चेयरमैन डिसाइड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटली दैट इम्पीचमेंट मोशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन टू द राज्यसभा. ओके, दैट इज अपर हाउस. द अपर हाउस चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस दैट इज अवर वाइस प्रेजिडेंट हु इज बाई एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस मिस्टर वेंकैया नायडू. तो अब वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे मोशन को. ओके, दैट इज इन देयर प्योर डिस्क्रिप्शन इज देयर. ओके, वेदर दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस मोशन और नॉट. फॉर टाइम बिंग फॉर एग्जाम्पल वेंकैया नायडू दैट इज अवर वाइस प्रेजिडेंट हैज रिजेक्टेड दिस इम्पीचमेंट मोशन. ओके, हैज बीन इट इज बीइंग एक्सेप्टेड. तो आगे प्रोसीजर रहता. तो फर्स्ट स्टेप तो यहीं पर हो गया कि वेदर यू विल एक्सेप्ट और नॉट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो तो स्पीकर कॉल लेता कि वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो चेयरमैन कॉल ले रहा है. ओके, नाउ इन केस इट इज एक्सेप्टेड. ओके, अभी तो हमारे केस में इस प्रेजेंट केस में तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन इन केस इट इज एक्सेप्टेड देन इट विल गो फॉर द इन्वेस्टिगेशन. अब इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? अब जज की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? देयर अ कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. ओके, देयर इज अ थ्री मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेशन द चार्जेस. ओके, दैट थ्री मेंबर कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए तो स्पीकर ऑफ द स्पीकर दैट इज द वाइस प्रेजिडेंट हु इज द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, ही विल कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी, थ्री मेंबर कमेटी. अगर यही चीज लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है तो स्पीकर विल डू द थिंग. ओके, तो आई थिंक यू आर अवेयर दैट कि राज्यसभा में का हेड होता है चेयरमैन, उसको चेयरमैन बोलते हैं, लोकसभा का हेड को स्पीकर बोला जाता है. ओके, नाउ तो थ्री मेंबर कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड. ओके, टू इन्वेस्टिगेटेड द चार्जेस एंड दिस थ्री मेंबर कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्पीकर चेयरमैन. द मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी वुड बी दिस थ्री मेंबर्स. वन इज द चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर चीफ जस्टिस के अगेंस्ट ही है तो वो तो मेंबर नहीं हो सकता. ऐसा तो नहीं अपने आप को खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगा. तो जैसे हमारे इस केस में अगर ये
इम्पीचमेंट मोशन एक्सेप्ट हो जाता बाय द चेयरमैन, इन दैट केस उस कमेटी का मेंबर ऑफकोर्स चीफ जस्टिस नहीं हो सकते थे बिकॉज इट वॉज द अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ओनली. तो एनी अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी द मेंबर. अनदर मेंबर हैज टू बी जज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. ओके, इनकेस इट इज अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तो ऑफकोर्स ही कैन नॉट बी द मेंबर, तो हाई कोर्ट का मेंबर होगा. नाउ डिस्टिंग्यूशन जूरिस्ट. ओके, तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहा हूँ तो दीज थ्री वुड बी द मेंबर. ओके, एंड इट विल बी चेयरमैन का कॉल होगा कि कौन मेंबर हो सकते हैं. अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है इम्पीचमेंट मोशन, स्पीकर कॉल लेगा कि कौन मेंबर होगा. इट विल बी कॉल ऑफ द स्पीकर. नाउ कमेटी सबमिटेड फाइंडिंग, वो इन्वेस्टिगेशन कर करके अपना फाइंडिंग सबमिट कर देगी. नाउ इन केस देयर फाइंडिंग सेज दैट ओके दैट पर्टिकुलर जज इज गिल्टी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा. अगर यहीं पर देखो, फर्स्ट स्टेप तो वहाँ पर इनिशिएशन के प्रोसेस में ही रुक सकता है. सेकंड स्टेप यहाँ पर फाइंडिंग क्या देगी, नहीं वो गिल्टी नहीं है जज, तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन गिल्टी नहीं है जज, तो अगेन इम्पीचमेंट मोशन गोज डाउन इनटू द गार्बेज. अगर वो कहते हैं कि हाँ गिल्टी है, फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा वोटिंग. एंड इफ कमेटी फाइंड द जज टू बी गिल्टी देन वोटिंग विड हैपन एंड हाउस आई हैव बोल्डेड कैन डेलीबरेट कि हाँ हाउस ने इंट्रोड्यूस किया, ये हो सकते हैं हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन, जो भी इम्पीचमेंट को कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन वो चाहे भी तो अगर कमेटी ने कह दिया गिल्टी है भी, तो चाहे तो वो कह सकते हैं नहीं हम कंसिडर ही नहीं करना चाहते, दे कैन डू दिस टाइप ऑफ थिंग एज वेल. ओके, बट जनरली दे विल मतलब उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस किया तो ऑफकोर्स दे विल कंसिडर इट. नाउ हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन. नाउ वोटिंग इन द बोथ हाउसेज विल बी हैपन. ओके, वोटिंग इन बोथ हाउस विल हैपन. रिमेंबर इंट्रोडक्शन एक ही हाउस में हो रहा है, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में. ओके, बट वोटिंग बोथ हाउसेज में होगा. ओके, ऑन दैट कि वेदर वी शुड रिमूव द जज और नॉट. ओके, इरिस्पेक्टिव कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है. सो नाउ वोटिंग थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी. एंड स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि देर वुड बी 50% प्लस, मतलब मोर देन 50% मेंबर शुड से येस फॉर पासिंग दिस मोशन. ओके, ऑफ द टोटल मेंबरशिप. ओके, सो आई जस्ट टेक एन रूड एग्जाम्पल, लेट्स से 100 इज द मेंबरशिप ऑफ अ हाउस. ऑल्दो 100 किसी हाउस की भी नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए 100 हमारे हाउस की मेंबरशिप है किसी भी हाउस की. नाउ 50% दैट इज 51 पीपल हैज टू से येस टू रिमूव द टू पास दिस मोशन टू मूव द जज. ओके, एटलीस्ट 51. एक तो ये पार्ट हो गया. ओके, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, दैट इज यू शुड रिमेंबर. और नॉट और, इट शुड बी एंड, इट शुड बी नॉट और एंड 2/3 प्लस ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, व्हाट डज दैट मीन, 100 में से 51 तो एक चाहिए. लेट्स से 100 की बजाय ओके, सो 100 लेट्स से कि 100 के 100 ही प्रेजेंट है. ओके, जो वोट कर रहे हैं. समटाइम क्या होता है कि वो वोटिंग से अब्सटेन भी कर जाते हैं. ओके, तो 100 के 100 ही अगर वोट कर रहे हैं तो इसका 2/3 रहेगा. इसका 2/3 वुड बी अराउंड 67. ओके, इज मोर देन 2/3 वुड बी 67 वुड बी द मोर देन 2/3. ओके, सो तो इनमें से जो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, दैट इज 67 इज ग्रेटर. तो 67 मेंबर का येस चाहिए टू पास दिस मोशन. अगेन आई एम रिपीटिंग इट, वन इज द 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, वन इज द 2/3 ऑफ द मेंबर हु वाज प्रेजेंट एंड वोटिंग. नाउ लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल कि 100 मान लो मेंबरशिप है. ओके, लेकिन प्रेजेंट लेट्स से 70 पीपल और 60 पीपल ही प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं. ओके, और 40 पीपल या तो अब्सेंट है या फिर दे आर अब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग. वो वोट नहीं करना चाह रहे, वो नहीं, वो चाहते नहीं है, मतलब उनको वो व्हाट दे आर सेइंग कि हमें नहीं पड़ा फर्क पड़ता कि वो रहे जज या ना रहे, हम न्यूट्रल है इसके स्टैंड को लेके. 40 लोग ये कह रहे हैं तो प्रॉब्लम अब यहाँ पर क्या हो गया, 60 लोग वोट कर रहे हैं और 100 टोटल मेंबर, इसका 50% करेंगे टोटल मेंबरशिप का, विच वुड बी 51, 50% प्लस 1, और 60 का हम 2/3 प्लस 1, दैट वुड बी 40. ओके, दैट वुड बी द 40, द 2/3 और 60, दैट इज 2/3 ऑफ द 60 वुड बी नथिंग बट 40. तो इनमें से कौन बड़ा है, दैट इज 51 इज ग्रेटर, तो एटलीस्ट 51 पीपल विल शुड से येस येस टू पास दिस मोशन. तो ये है स्पेशल मेजोरिटी का मतलब. तो बोथ ऑफ द कंडीशन शुड मैट, और ऑफकोर्स जो बड़ा होगा नंबर वही उसी में दोनों कंडीशन मैट होगा. ओके, सो नाउ वोटिंग थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी होगा. अगर वो वोटिंग के थ्रू पास होते तब जाके जज हटेगा. अगेन यहाँ पर अदर ऑब्स्टेकल है. नाउ लेट्स सी, सारी चीज़ को समराइज करते हैं इस फ्लो चार्ट में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा बाद में देखते हैं, तो एनिमेशन में बाद में आना चाहिए. ओके, नॉट अ बिग इशू. नाउ सबसे पहले इनिशिएशन हो गया आइदर इन टू लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा में 100 पीपल्स, 100 एमपीज चाहिए, राज्यसभा में 50 एमपीज चाहिए टू इनिशिएट दिस थिंग. ओके, सो नाउ स्पीकर ऑफ दैट, स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर किन केस में, राज्यसभा में योर चेयरमैन,
लोकसभा में आपका स्पीकर रहेगा, ओके तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, उनका अपना कॉल है, ओके और उसमें वो कुछ इंटरफेरेंस नहीं है, वो अपना कॉल लेंगे, ओके तो ना इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट, ओके तो जज रिमूव नहीं होगा, जज इज नॉट रिमूव, मोशन गया गार्बेज में. इफ इट इज एक्सेप्टेड, इफ इट इज यस, इफ इट इज एक्सेप्टेड देन इट विल गो इन्वेस्टिगेशन बाय अ कमेटी, जो भी हम थ्री मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी दैट विल इन्वेस्टिगेटेड दिस प्रोसेस. ओके नाउ नेक्स्ट इज कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेशन का कुछ रिजल्ट रहेगा, वेदर दे विल फाउंड द गिल्टी और वेदर दे फाउंड द जस्ट टू बी द गिल्टी और नॉट. अगर दे फाउंड इट नॉट टू बी गिल्टी अगेन तो पता है कि मतलब जज इज नॉट रिमूव, मोशन गोज इन टू द गार्बेज. इफ दे फाउंड द जज गिल्टी देन सी हेयर द फर्स्ट स्टेप, जज को इतना आसानी से यहाँ पर हमने पहले यस करना पड़ेगा फिर यहाँ पर यस करने का पड़ेगा, ओके तो इंक्वायरी में. नाउ अगेन इफ इट इज ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ आइदर ऑफ द मिसबिहेवियर और ऑफ द incapability of doing the business, then voting would be done into both of the houses. Both of the houses में voting की जाएगी. इससे voting से पहले भी means इससे पहले एक जैसे that judge would be given a chance to put his case, okay either he can put it by himself or by some representative, वो अपना case put करने का उसे chances मिलता है in the parliament. And voting in both the houses होगा और both houses में, both in राज्यसभा and लोकसभा, it should be passed by the special majority. अगर सिर्फ लोकसभा में पास हो, राज्य में नहीं हुआ, या सिर्फ राज्य में लोक में हुआ, तब भी वो रिमूव नहीं रहेगा. इफ इट इज नॉट पास्ड देन इट्स नॉट रिमूव, इफ इट इज पास्ड नाउ ही विल बी रिमूव. अभी अगर ये पास होता है तो एक एड्रेस प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट कि भाई जज को रिमूव कर दो. रिमेंबर मैंने वर्ड एड्रेस यूज़ किया, ऑर्डर नहीं यूज़ किया, क्योंकि प्रेजिडेंट को कभी आप ऑर्डर नहीं दे सकते. मतलब कि एड्रेस विल बी रिप्रेजेंटेड मीन्स उसमें बस एड्रेस रहेगा, ऑल्दो प्रेजिडेंट को उसके ऊपर इट कैन नॉट दैट प्रेजिडेंट डोंट हैव द पावर टू से नो आई कैन डोंट वॉन्ट टू डू दिस, उसको करना ही पड़ेगा. प्रेजिडेंट को जो भी बोला कि हाँ जज को रिमूव करो, तो प्रेजिडेंट फिर इशू ऑर्डर करेगा, ओके ही विल पास द ऑर्डर टू रिमूव ऑफ द रिमूव द नाउ जज विल बी रिमूव. In this case only judge will be removed. Okay. So now this is the full picture which is summarizing in which how the judge impeachment process will happen. Okay. Now here it is written. Okay. It is written here that what is it, it is written. Okay. So it is written impeachment process for removal of a judge does not lapse of the dissolution of the Lok Sabha. What does that mean? कि मान लो कि impeachment process आपका होता means जैसे let's say 30th अप्रैल को impeachment process को initiate किया गया. Okay. स्पीकर ने इसे अप्रूव भी कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब वो कमेटी चल रहा था इन्वेस्टिगेशन, लोकसभा लैप्स हो गया. लैप्स का मतलब हो गया कि नया इलेक्शन हो गया. लेट्स से फर्स्ट मई और फर्स्ट जून तक कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और फर्स्ट जून को वो लैप्स हो गई लोकसभा और नया लोकसभा बन गया, नया इलेक्शन हुआ, नया लोकसभा बना. तो उस केस में ऐसा नहीं है कि लोकसभा लैप्स हो गया तो इम्पीचमेंट प्रोसेस को भी लैप्स हो जाना चाहिए. इट्स नॉट दैट, इम्पीचमेंट प्रोसेस विल स्टिल अराइव, इट विल नॉट लैप्स इवन इफ इट इज बिंग इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी लोकसभा में, बीजेपी की गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट बदल के कांग्रेस की आ गई, तो इट डजेंट मीन दैट इम्पीचमेंट प्रोसेस विल बी डाई डाउन देयर. ओके ऐसा नहीं रहेगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस डाई डाउन हो जाएगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस लाइव रहेगा और वो फिर वोटिंग, यही पूरा प्रोसेस गोइंग होगा. इसका मतलब ये है कि इट विल नॉट डाई डाउन विद लैप्सिंग ऑफ द लोकसभा. तो दिस पिक्चर यू शुड अंडरस्टैंड. ओके अब अगेन आई एम रिपीटिंग कि हम इस मेरिट में नहीं जा रहे कि वेंकैया नायडू ने इसको रिजेक्ट करके अच्छा किया गलत किया या जो भी था. ओके सो उस डिबेट में डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट. मैं उस पर इतना हमें कुछ वो भी नहीं करना, डेलिब्रेट भी नहीं करना चाहिए. नाउ अदर थिंग इज दैट हु एल्स मीन्स और किसके अगेंस्ट किसी इम्पीचमेंट मोशन जाता है. एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट का जज पढ़ा, ऑल द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करके. नेक्स्ट है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट. ओके दिस द सेम प्रोसेस, एक्जैक्टली द सेम प्रोसेस होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में. नेक्स्ट इज द इलेक्शन कमिश्नर, एक्जैक्टली सेम प्रोसेस. ओके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जज सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो भी प्रोसेस है सेम प्रोसेस इस पर लाइव रहेगा. ओके नाउ कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके अगेंस्ट भी सेम प्रोसेस, एक्जैक्टली सेम प्रोसेस जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस देखा. नेक्स्ट इज द प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस को भी इम्पीचमेंट बोलते हैं, बट इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है. ओके इट नॉट दैट कि वो 50 और 100 वाला चीज से इनिशिएटेड रहता है, इसका 1/4 मेंबर आपके होने चाहिए टू इनिशिएट दिस प्रोसेस, जो फर्स्ट इनिशिएशन का रहता है. ओके 1/4 मेंबर ऑफ द हाउसेज शुड साइन मोशन कि हम प्रेजिडेंट को रिमूव करना चाहते हैं. ओके अभी तक इंडिया में तो इसका नहीं पिक्चर में आया कभी. वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जनरली प्रेसिडेंट के लिए, तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप सोचेंगे हाँ वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होगा, नो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट मोशन नहीं रहता है. वाइस प्रेसिडेंट को तो सिंपली राज्य, इनफैक्ट लोकसभा से भी नहीं पूछना रहता, राज्यसभा से ही पूछ के वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है. ओके बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड इन पॉलिटिकल सिस्टम, वाइस प्रेसिडेंट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स, दैट इज अपर हाउस.
तो अपर हाउस के लोग से ही सिलेक्ट करते हैं और उसको रिमूव भी वो कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसेस एंड आई थिंक यू दिस इज अ गुड सेशन. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट्स.